जानकारी राज्यसभा में उठा विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा। सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर उठे। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को यहां सक्षम नहीं पा रहा। विपक्ष के नारे के बाद नाराज हुए जगदीप धनखड़। सभापति के पद को चुनौती दी जा रही, ये भी जगदीप धनखड़ ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा की कार्यवाही में हो हल्ला हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। दरअसल सबसे पहले जेपी नड्डा ने विनेश फोगाट को लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विनेश के साथ समूचा देश है, और इसके बाद उसी बीच विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है, जिसके बाद जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया कि इस पद का अपमान किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को यहाँ पर सक्षम नहीं पा रहा, और विपक्ष के नारों के बाद वो नाराज हो गए। जगदीप धनखड़ की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वो कहते हैं कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है, और इसी को लेकर के उनकी नाराजगी सामने आई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी, डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से नाराज हुए सभापति। राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे डेरेक ओब्रायन। पूरा देश इस वक्त दुखी है, ये धनखड़ ने कहा। विनेश के साथ पूरा देश है, ये भी कहते हुए नजर आए। मैं अपने आप को यहाँ पर सक्षम नहीं पा रहा, मेरा अपमान किया जा रहा है। और ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कैसे विपक्षी सांसद कभी हाथों में पोस्टर्स लेकर के वेल में पहुंच जाते हैं, नारेबाजी होती है। और इसको लेकर के पहले भी जगदीप धनखड़ की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा चुकी है। और इस बार के सत्र से पहले तो विपक्षी सांसदों को ये कहा भी गया था कि आपके विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन जो सदन की गरिमा है उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सदन में हो हल्ला हंगामा हुआ। राज्यसभा के इस कार्यवाही के बीच कैसे नाराज हुए जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से तो सभापति के पद को चुनौती दी गई है, ये जगदीप धनखड़ कहते हुए, और वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे थे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, सीधे उनका रुख करते हुए। अदिति, हाल के वर्षों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि सदन के भीतर मर्यादा तार तार होती है। विपक्षी सांसद सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखते, कई मर्तबा हो हल्ला हंगामे की तस्वीर वेल में पहुंच जाते पोस्टर्स लेकर के। और आज ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जब समूचे देश को एक साथ आकर के एक मैसेज देना चाहिए कि विनेश के साथ हम हैं, वैसे मसले पर भी सदन के भीतर हंगामा हो रहा है, जगदीप धनखड़ को उठना पड़ा। देखिए, हंगामा और अपनी बात रखना, विपक्ष को ये लगता है कि वो अपनी बात रख रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। लेकिन सरकार का ये मानना है, सभापति का ये मानना है कि एक ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, हाउस ऑफ ऑर्डर होता है। अब आप देखिए, समझिए, हुआ यूं कि कल आपने देखा कि कैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों से वॉकआउट हुआ, और जो विनेश फोगाट वाला जो मसला था उसको लेकर वॉकआउट हुआ। कल भी ये बात उठाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की तरफ से, कि इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार का जो सपोर्ट था जो स्पोर्ट्स पर्सन को, विनेश फोगाट को, वो ठीक नहीं था। ऐसे में चाहे डाइटिशियन को लेकर, सपोर्ट को लेकर, और इसी के बाद पीटी उषा का बयान भी आया। लेकिन अब आज क्या हुआ, आज सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात उठानी चाहिए विनेश फोगाट के मामले में सरकार की नाकामी को लेकर। सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी, उसके बाद ये बात डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद ने उठानी चाहिए, तो फिर सभापति ने इसको लेकर चेतावनी दी। चेतावनी देने के बाद ये कहा कि अगर आपने फिर बिना इजाजत ऐसे मसले उठाए तो आपको संसद से बाहर कर दिया जाएगा, राज्यसभा से बाहर कर दिया जाएगा। जयराम रमेश को भी सभापति ने टोका। इन सब स्थिति के बाद जब हो हंगामा हुआ तो सभापति ने कहा कि कुछ समय के लिए मैं अपने आप जी कर सवाल उठाया, और जगदीप धनखड़ खुद जाट समुदाय से आते हैं। उसके बाद देश में तो जाहिर तौर पे दिल टूटा ही है, लेकिन जाट समुदाय में एक नाराजगी और एक रोष है। अब विपक्ष उसको किस तरीके से उठा रहा है, बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हरियाणा के चुनाव और देश की राजनीति में एक अलग तरीके से प्रभाव करने की कोशिश है। वहीं सभापति नाराज हुए,
और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं सक्षम नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऐसे व्यवहार के बीच में इस कुर्सी पर बैठूं और वो चले। अब हमने कल भी हंगामा देखा, हमने आज भी हंगामा देखा, लेकिन वही उसकी दूसरी तस्वीर ये भी थी कि जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हुई और पूरे सर्वदलीय बैठक हुई तो विपक्ष ने सपोर्ट किया। जी हम बात रखना चाहते हैं, हम बात पे चर्चा करना चाहते हैं, और सरकार ये बात कह रही है कि हम इस बात से बात करना चाहते थे, इसीलिए कल खेल मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। खेल मंत्री ने पूरा ब्यौरा सामने रखा बांग्लादेश के मसले पर। जब विपक्ष ने मांग की तो राज्यसभा लोकसभा में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने बयान दिया। तो हम सभी को, सदन को अवगत कराना चाहते हैं, संसद के सामने सब कुछ एक पारदर्शी तरीके से रखना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार का मुद्दा ऐसा है जो विपक्षी सांसदों को विदेश के मसले पर, बांग्लादेश के मसले पर वो एकता नजर आती है, लेकिन जब बात होती है देश की बेटी की, जब बात होती है देश के मसलों पर, तो वैसी एकता नजर नहीं आती। लेकिन इसका एक पहलू क्या हम ये भी समझे अदिति, जिस बात का आप भी जिक्र कर रही थी कि हरियाणा में होने वाला है विधानसभा का चुनाव, और हरियाणा की पहचान तो खेल से है, खिलाड़ी से, खासतौर पर विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी। हाल के वर्षों में हम देखे तो जो तस्वीरें सामने आई थी, प्रोटेस्ट को उठा करके भी देख तो काफी ज्यादा ये जो मसला था वो पॉलिटिसाइज हुआ। क्या यही कारण है कि इसको लेकर के विपक्ष इस तरीके का रुख अख्तियार कर रहा है? देखिए, हम भी पॉलिटिक्स की बात करें, जरूरी है क्योंकि इसी दिशा में राजनीति जा रही है, लेकिन उससे पहले प्रिया जरूरी है कि देश की जनता को हम ये बताएं कि दरअसल ये जो 100 ग्राम का जो वजन का किस्सा है, तो वो चाहे हमारी देश की बेटी जो खिलाड़ी है उसकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जब ये हुआ कि वो फिनाले में आ गई हैं, फाइनल्स में आ गई हैं, उस दिन उनके 3 मैच थे। सरकार के जब लोगों से हमने बातचीत करी कि कहाँ वो कमी रह गई, तो और जब ये बयान दिए गए कि 100 ग्राम का वजन तो बाल कटवाने से भी मैनेज हो सकता था, जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बात आई, जब एक आम जनता की ये माहौल बना, तो सरकार ने पूरा प्रयास किया। वहाँ जो पूरी टीम थी उन्होंने रात भर, चाहे देश की बेटी ने एक्सरसाइज रहकर, भूखा रहकर, यहाँ तक कि फ्लूइड्स भी नहीं लिए। जबकि आप प्रिया ये समझ सकती हैं कि जब हम खेल करते हैं, इनफैक्ट हम अगर 5 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ खाने या कुछ पीने की जरूरत पड़ती है। देश की बेटी ने एक दिन पहले जब वो फाइनल्स में सेलेक्ट हुई तब 3 मैच जीते थे, उसके बाद उनके शरीर को जरूरत थी कि वो खाएं पिए, और उनके वजन को लेकर पूरे जो टीम थी, सपोर्ट सिस्टम वहां पर था, उनकी चिंता थी। यहाँ तक कि ये माना जा रहा है कि उनका वजन 52 किलो हो गया था, जबकि वो 50 किलो कैटेगरी में खेलना चाहती थी। वो रात भर उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि नेक्स्ट डे वो सुबह हॉस्पिटल में भी गई या उनका चेकअप भी हुआ। ऐसे में सिर्फ ये 100 ग्राम का इशू आया क्योंकि शरीर है एक लिमिट तक उसको डील कर सकता है। और उस देश की बेटी से पूछना होगा, उनसे जानना होगा कि क्या वास्तव में किसी तरह के सपोर्ट सिस्टम में कोई कमी रही, क्योंकि पहले वो 53 किलो कैटेगरी में जीत रही थी, खेल रही थी। बिल्कुल अदिति, एक ऐसा विषय है जिस पर हर किसी को मैसेज यही देना चाहिए कि पूरा देश उस बिटिया के साथ है और वो भारत का अभिमान है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर भी सियासत जारी है।